तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मुझे आपका अटेंशन मिल चुका है प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि अगर टाइम दे रहे हो तो आई थिंक यू शुड हैव टू लर्न समथिंग ऑल्सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और विदाउट किसी चीज़ के हेल्प के खुद स्टॉक पिक करने की कोशिश करते हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले आप स्क्रीनर डॉट इन का नाम जानते होंगे उसमें आप विप्रो या कोई भी एक स्टॉक में एक एग्जांपल के लिए विप्रो ले रहा हूँ आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं लगभग लगभग लग सबका सेम होता है पैरामीटर्स कुछ प्लस एंड माइनस रहता है वो मैं आपको लेटर ऑन द वीडियो समझा दूंगा फर्स्ट थिंग ये एक आई स्टॉक है तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स आते हैं हालांकि इसके अगर आप गहराई पे जाएंगे सेल्स में ऑपरेशन में तो वो काफ़ी चीजें जाएंगी बट अगर आप बेसिक लेवल पे अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो मुझे ये पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगता है द वे ही प्रेजेंट द ग्राफ और डेटा अबाउट द क्वार्टर रिजल्ट स्टार्टर फर्स्ट थिंग हमारे पास आ जाता है सेल्स देन एक्सपेंस देन प्रॉफिट अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस राइट right सेक्शन वाले एरिया को देखें कि यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या है सेल्स एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओ परसेंटेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स क्या है नेट प्रॉफिट और ईपीएस इन रुपीजन आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या चीजों पर आपको ध्यान देना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की सेल्स इन देंस ऑपरेशन जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन का जिससे कंपनी का रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है लाइक like, अगर मैं बात करूँ नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है मेंबरशिप सेल्स करके सिमिलरली लाइक विप्रो विप्रो अपनी आई टी को सेल्स करके अपना सेल्स जनरेट करता है सेल्स इन द सेंस जहां पे कंपनी का ऑपरेशन है वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है मेजर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज नोन एज अ सेल्स सेल्स अगर कंपनी का रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है यानी रेवेन्यू कंपनी का अगर रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है दैट इज गुड फॉर योर कंपनी अगर रेवेन्यू रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है ईयरली बेसिस पे ऑन क्वार्टरली बेसिस पे तो वो कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छी साबित हो सकती है देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में दो चीज आ जाती है मेटेरियलिस्टिक कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे मटेरियल कॉस्ट काफी कम है एम्प्लॉय कॉस्ट काफी ज्यादा है बिकॉज इट्स आई टी कंपनी यहाँ का मेजर रेवेन्यू जो जाता है वो कंपनी के जो इंप्लाइज है उस पर जाता है यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लू डी का तो अगर आप यहाँ पे इनके क्वार्टर रिजल्ट में अगर मैं इसका एक्सपेंस दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गे? मटेरियलिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है कंपैरिज़न टू एम्प्लॉय कॉस्ट के तो दैट इज़ बाय एज एन आई टी कंपनी कोई मटेरियलिस्टिक कॉस्ट नहीं लगता इतना बेसिक कॉस्ट नहीं लगता है लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सारी चीज़ों और मेजर जो कॉस्ट जाती है वो इनकी इंप्लॉयज़ में क्योंकि इंप्लॉयज़ की सैलरी टेन लाख फिफ्टीन लाख ट्वेंटी लाख पर एन का रहता है तो आप खुद सोच सकते हैं मेजर रिवेन्यू डिपेंड करता है इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्रीज के लिए आप स्टॉक देख रहे हैं उस इंडस्ट्री का आपको एक्सपेंस देखना पड़ेगा कि कंपेरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज ये कंपनी अपने एक्सपेंसिस पे कितना खर्चा कर रही है नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर इनकम यहाँ पर काफी सारे इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होता है कि अदर इनकम होती क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सेल्स में मैंने आपको एक पॉइंट बार बार दोहराया था कि जो भी प्रॉफिट ऑपरेशन से आता है दैट इज कॉल सेल्स और रिवेन्यू ऑफ द कंपनी अदर इनकम में मेजरली पांच चीजें आती हैं इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलिंग असेट गेन फ़ॉरेन एक्सचेंज गेन इंश्योरेंस गेन और लीगल सेटलमेंट गेन ये पांच चीजें आती हैं जिसके व्याप पे कोई भी कंपनी अगर अर्निंग कर रही है दैट इज नोन एज अदर इनकम अगर आपको मैं इसे शॉर्ट में रखूँ तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा मैंने अदर इनकम के चारों पार्ट लिख रखे हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं हालांकि आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है आप उसका भी स्क्रीन ले सकते हैं लेटर ऑन यू कैन रिसर्च ऑन इट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्ट आपको समझ में आ चुका होगा डेप्रीशिएशन इन द सेंस कि कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है यानी इफ आई टॉक अबाउट इन आईटी कंपनी आईटी कंपनी सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन क्या होता है डेप्रिसिएशन इन द सेंस कि जो उनके लैपटॉप है सिस्टम है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है दे कीप हैव टू अपडेट दैट थिंग एंड जो भी ओल्डर थिंग है उन्हें उसे रिप्लेस करना होता है दैट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन सेम वही चीज अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन जो कि अगर एवेन्यू सुपर में तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन कम रहेगा इनके पास हो जाते हैं शेल्फ यूनिफॉर्म्स ये सारी चीज़ें जो कि टाइम टू टाइम ओल्ड होती रहती हैं कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कंपेरिजन इन अकाउंटिंग एंड अदर ऑल दैट इज़ नोन एज अ डेप्रिशिएशन तो ये भी डिपेंड करता है इंडस्ट्री बाई इंडस्ट्री आप डेप्रिशिएशन का भी कम्पेरिजन कर सकते हैं सेम इंडस्ट्रीज़ के अदर स्टॉक्स के साथ फॉर गेटिंग अ बेटर रिजल्ट नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब अब यहाँ पे जो निकल रहा है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है टैक्स कंपनी कितना दे रही है टैक्स इस ऑल अबाउट कि उसका सीए किस हिसाब से मेंटेन कर रहा है कहाँ कहाँ पे उस टैक्स को बचा रहा है तो जो कंपनी ज़्यादा टैक्स बचाती है लाइक like अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब जब कंपनी ने टैक्स बचाया है यहाँ पे सोलह दिया तो पे आप, आप देख पा रहे हो एक मैसिव बूम देखने को मिला है यहाँ पे आपको 17 परसेंट दिया है जो कि अगर कंपैरिजन 22 से 23 है तो यहाँ पे आपको एक बूम देखने को मिल रहा है तो टैक्स अगर कंपनी बचा रही है इन द सेंस कि कंपनी अपने प्रॉफिट में इंक्रीमेंट ला रही है नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज होगा तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा अर्निंग पर शेयर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ईपीएस इसमें आपको क्या करना होता है जो भी कंपनी का अर्निंग हुआ है उसको जितने भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स उससे डिवाइड करना होता है तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है ई कंपनी का ईपीएस अगर ग्रोथ में है बढ़ रहा है तो दैट इज गुड फॉर द कंपनी सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मेजरली अगर आप बात करें सेल्स का आपको ध्यान देनी है कि सेल्स बढ़नी चाहिए एक्सपेंसिस कम से कम हो जिसके लिए आप कंपेरिजन कर सकते हैं अदर स्टॉक्स के साथ बट कंडीशन वो सेम इंडस्ट्रीज के होने चाहिए फॉर गेटिंग यू बेटर अंडरस्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है इंटरेस्ट कितना आ रहा है कंपनी में यहां पर जीरो जीरो चल रहा होता है other income, और सर्टनली कंपनी यहाँ पे काफी बड़ा अदर इनकम जनरेट करती है इट मीन कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी सेल की है रियल इस्टेट सेल किया है कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है कहीं से कोई शेयर जो परचेज कर रखा था वो बेच दिया तो ऐसे में आपको एक्साइटेड नहीं होना है जस्ट बिकॉज अदर इनकम एकदम से बढ़ गया उसकी

तो मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है इंस्टेंट ऑफ लेटर ऑन मैं आप एक कंसिस्टेंटली वे में ग्रोथ करूँ तो ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली ध्यान देना है सेल्स ध्यान देना है एक्सपेंसिस ध्यान देना है और नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है आफ्टर टैक्स वो ध्यान देना है ये पाँच पॉइंट्स को अगर आप इंडस्ट्री वाइजली स्टॉक्स के बीच में कंपेरिजन करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो तो मुझे नीचे लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगे आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर कोई पॉइंट या कोई डाउट या मेरे बताने का तरीका बोरिंग लगा तो प्लीज़ खुल के बताइएगा लेटर ऑन आई थिंक क्योंकि मुझे भी पर्सनली लगता है कि मुझे अभी भी काफी सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे और आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ सकें सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा और समय इन्वेस्टमेंट को देने के लिए तो मेरी ये टॉप थ्री हाई क्वालिटी स्टॉक्स वाली वीडियो जरूर देखेगा जो कि अभी आपको बाय करने के लिए काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं सो जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ Takale stay safe and goodbye. Thank you those